दोस्तों इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग अर्ली साइन होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और पीरियड्स के क्रैम्प में क्या डिफरेंस होता है। आप इन दोनों के टाइम जो क्रैम्प होता है उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड आने का क्रैम्प है, आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर दें और पास बनी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग यानी इम्प्लांटेशन के टाइम जो आपको पेट में दर्द होता है वो महिलाएं तब एक्सपीरियंस करती हैं जब फर्टिलाइज एग यानी जब आपका एग स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपक जाता है। उस समय जो प्रोसेस होता है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस समय पर महिलाओं को पेट में हल्का सा दर्द होता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही महिलाएं सही मायने में गर्भवती हो जाती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम बहुत जल्दी महसूस होने लगते हैं, इम्प्लांटेशन से पहले फर्टिलाइज होते ही आपको प्रेगनेंसी सिम्टम दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं दिखते हैं और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आइए अब जानते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प और पीरियड में होने वाले क्रैम्प में क्या अंतर होता है। दोस्तों इम्प्लांटेशन महिला में पीरियड के 20वें दिन से लेकर आपकी जो नेक्स्ट पीरियड डेट है उन 10 दिनों के बीच कभी भी हो जाता है और यही समय होता है आपके पीरियड आने का भी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये जानना कि आपके पीरियड आने वाले हैं या फिर ये साइन है अर्ली प्रेगनेंसी का। इम्प्लांटेशन क्रैम्प जब आपको होगा तो बिल्कुल माइल्ड सी क्रैम्पिंग आपको फील होगी, बिल्कुल हल्का हल्का दर्द आपको पेट में होगा, लेकिन पीरियड के टाइम जो आपको दर्द होता है वो आपको तेज़ होता है। पीरियड के टाइम जो इंटेंसिटी है वो तेज़ होती है और इम्प्लांटेशन के टाइम जो आपको पेट में दर्द होता है वो बिल्कुल हल्का सा होता है, हल्की सी चुभन हो सकती है, आपको खिंचाव सा होता है, आपको पेट में कुछ पिंच जैसा फील होगा कि कुछ पिंच हो रहा है वैसा आपको फील हो सकता है। और इम्प्लांटेशन क्रैम्प यानी जो प्रेगनेंसी का आपको पेट में दर्द आपको होगा वो आपको मिडल में होगा, पेट के निचले हिस्से में नाभि के सीधा निचले वाले भाग में ये पेन ना तो आपको राइट होगा ना तो लेफ्ट होगा, बिल्कुल मिडल में आपको ये पेन फील होगा। लेकिन जो पीरियड का पेन होगा वो ज़्यादातर आपको लेफ्ट या राइट साइड फील होगा। और दोस्तों इम्प्लांटेशन क्रैम्प आपको कुछ मिनटों के लिए होकर ठीक हो जाता है या फिर 1 से 3 दिन तक होता है, लेकिन ये दर्द ज़्यादा देर तक नहीं होता है, लगातार नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए होकर ठीक हो जाता है और फिर वापस होने लगता है। लेकिन जो पीरियड के टाइम आपको पेट में दर्द होगा वो आपको पीरियड डेट के 1 से 2 दिन पहले होगा और फिर पीरियड आ जाएंगे। लेकिन अगर पेट में दर्द होने के 1 से 2 दिन बाद आपके पीरियड नहीं आते हैं तो इसका यही मतलब है कि आपके अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है और आप प्रेग्नेंट हैं। और साथ ही में अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग अगर होती है जिसे स्पॉटिंग कहते हैं, जो कि हल्के गुलाबी रंग की या फिर भूरे रंग की होती है, और इस ब्लीडिंग के बाद अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं इट मींस ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है। अगर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन आपको जो इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हुआ है तो ब्लीडिंग और क्रैम्प रुकने के 4 से 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको बहुत अधिक पेन है तो ऐसा होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है और साथ में फाइब्रॉयड और एंडोमेट्रियोसिस का भी सिम्टम हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको अभी भी इम्प्लांटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और आप लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ सकें। थैंक यू गाइज।